फ्रेंड्स, आप लोगों को वेजिटेबल पसंद है? नहीं, मेरे को भी बिल्कुल नहीं, पर तो भी मेरी माँ मुझे खिलाती है और मैं एकदम चाव से खाती हूँ। कैसे? आपको मैं अभी बताती हूँ। तो चलिए, मैं आपको आज बताती हूँ वेज खमन ढोकला कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही, बारीक कटी हुई सब्जियाँ जिसमें मैंने डाला है गाजर, बीन्स और शिमला मिर्ची, हल्दी, नमक, इनो और थोड़ा सा पानी। अब हम डालेंगे दही। स्वाद अनुसार नमक, हम इसे मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए, 20 मिनट के बाद हमारा गोलन ऐसे हो जाएगा। देंगे थोड़ा सा पानी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, मिक्स वेजिटेबल्स। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम थाली को ग्रीसिंग करेंगे। अब हम इसमें इनो डालेंगे और अच्छे से हिला देंगे। अब हम इस गोलन को प्लेट में डालेंगे। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। अब हम इसे पकने के लिए 20 मिनट रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई या टोप में भी रख सकते हो। आप इसमें एक ग्लास पानी डालकर ऐसी कोई चीज़ या कटोरी रखकर आपका प्लेट सेट कर सकते हो और इसे ढककर गैस पे रख सकते हो। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। अब हम चक्कू डाल के चेक करेंगे। अगर चक्कू पे चिपक गया तो हम 5 मिनट और रखेंगे। देखिए, चक्कू पे नहीं चिपका, मतलब पक गया है। ठंडा होने के बाद हम इसे कट करेंगे। देखिए, हमारे वेज खमन ढोकला तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना।